श्री विष्णवे नमः। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल भक्ति लोक 2.0 पर। दोस्तों, जब धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। अब आप फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपया करके मुझे आप बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इसके प्रभाव से 1000 गौ दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाता है। हे राजन, अब मैं आपको महर्षि वरिष्ठ जी द्वारा राजा मघाता को सुनाई गई पौराणिक कथा के बारे में बताता हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। राजा मघाता बोले कि हे वरिष्ठ, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो आप किसी ऐसे व्रत की कथा सुनाइए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वरिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमलकी एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। ये एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण अनंत सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्र नामक का चंद्रवर्षी राजा राज्य करता था। वह अत्यधिक विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे। आंवला व्रत स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलिका एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि धन आंवले का पूजन करने लगे और इसी प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्म जी द्वारा उत्पन्न हुई हो और समस्त पापों का नाश करने वाली हो, तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा आद्य स्वीकार करो, तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अंतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करें। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वो अपने कुटुम्ब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्मा का कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। मगर उस आमलिका एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वो चतुरंगी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वो तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमता में पृथ्वी के समान था। वो अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वो प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान ना होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छर वहां आ गए और राजा को अकेले देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छर कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मलेच्छर उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वो सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते हैं और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छरों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर में एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वो स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उनकी भ्रुकुटी ढीणी थी। उनकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी जिससे वे दूसरे काल के समान प्रतीत हो रही थी। वो स्त्री मलेच्छरों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उन्होंने सब मलेच्छरों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छरों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है, इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है। वो ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा।
महर्षि वरिष्ठ बोले, हे राजन, ये आम्लिका एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आम्लिका एकादशी का व्रत करते हैं, वो प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। तो दोस्तों, प्रेम से बोलिए जय विष्णु भगवान। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान लिखना प्लीज मत भूलिएगा।